एक ओर जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में ननिहाल बच्चों को पौष्टिक पोषण आहार देकर बच्चों के बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित हैं, वहीं रीवा कलेक्टर द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में ननिहाल बच्चों के बौद्धिक स्तर बढ़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में लाखों रुपए के खिलौने प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बहुत ही बदहाल बनी हुई है, जिसकी तस्वीर देखते ही बनती है। रीवा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर स्थित नई गढ़ी महिला बाल विकास के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई गढ़ी महिला बाल विकास कार्यालय से चंद्र कदमों की दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र भलुहा क्रमांक 2 एवं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 भलुहा की, जहाँ हमारी टीम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 भलुहा में एक भी बच्चे मौजूद नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र पर सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पाई गई और ननिहाल गायब है, जबकि उपस्थिति रजिस्टर में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की 31 बच्चों की उपस्थिति दर्ज पाई गई, वहीं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर में 35 बच्चों के नाम दर्ज पाए गए, लेकिन एक भी बच्चे मौजूद नहीं मिले। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में सिर्फ 4 बच्चे मौजूद मिले, जबकि उपस्थिति रजिस्टर में 32 छात्र दर्ज पाए गए। आधा किलो चावल से बनी खीर, 1 पाव सब्जी और 15 पूड़ियों से समूह संचालक ननिहाल बच्चों का पेट भर रहा है। आपको बता दें कि नई गढ़ी महिला बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित जय अम्बे स्व सहायता समूह द्वारा 67 बच्चों का आधा किलो चावल से बनी खीर, 1 पाव सब्जी एवं 15 पूड़ियों के सहारे बच्चों का पेट भर रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि जय अम्बे स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों के भोजन में खुलेआम डाका डाला जा रहा है।